फोटो केमिस्ट्री में हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि फोटो केमिस्ट्री के दो मेन रूल्स हैं, ग्रोथस ड्रेपर लॉ और स्टोक आइंस्टीन लॉ। ये दोनों ही रूल जो हैं वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट के बनने को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यहाँ पे कई बार ये देखा गया है कि जब मॉलिक्यूल एक फोटोन के अवशोषण करके उत्तेजित हो जाता है, तो उसके बाद कुछ परिस्थितियों में वह मॉलिक्यूल वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, और जो ऊर्जा का उसने अवशोषण किया है उस ऊर्जा को वह त्याग देता है विकिरण के रूप में। तो यह जो ऊर्जा पुनः वापस सिस्टम से बाहर आती है विकिरण के रूप में, वो उन प्रक्रमों को समझाने के लिए जेब्लॉन्स की डायग्राम प्रयुक्त किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में जेब्लॉन्स की डायग्राम को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फोटोकेमिस्ट्री का। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्रियाकारी अणु द्वारा फोटोन के अवशोषण के बाद होने वाले भौतिक एवं प्रकाश रासायनिक प्रक्रमों को जेब्लॉन्स की डायग्राम से समझा सकते हैं। तो जेब्लॉन्स की डायग्राम या इन प्रक्रमों को समझने से पहले कुछ पदों को अपन को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ये जो जेब्लॉन्स की डायग्राम है, इसमें कुछ पद प्रयुक्त किए गए हैं। इस डायग्राम में अणु की ग्राउंड स्टेट को एस नॉट से प्रदर्शित किया गया है, जो अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल स्पिन को प्रदर्शित करते हैं। अधिकांश अणुओं की ग्राउंड स्टेट में इवन इलेक्ट्रॉन्स यानी इनकी जो स्पिन है वो युग्मित होती है, इवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनकी स्पिन स्टेट को 2s+1 से ज्ञात करते हैं, जहाँ s जो है वो इलेक्ट्रॉन की कुल स्पिन है। इस पद को यानी जो 2s+1 है, इस पद को हम स्पिन बहुलकता या स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल के आउटर मोस्ट शेल में जैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन हैं संयोजी कोश में, उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में ये जो 2s+1 में s है, उस s का मान निकालने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन को जोड़ेंगे। तो s=s1+s2। हम जानते हैं अगर एक इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज होती है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। तो एक को हमने +1 से शो कर दिया, प्लस दूसरे की हमने -1/2 से शो कर दिया। इन दोनों का जो योग है वो बराबर 0 हो गया, तो s जो है वो 0 हो गया। तो 2s+1 यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर हो जाएगी 2 × 0+1। अर्थात अणु की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर 1 है ग्राउंड स्टेट में, तो हम इसे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट कहते हैं। यानी अणु की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है ग्राउंड स्टेट में, तो वो कौन सी स्टेट हो गई? सिंगलेट स्टेट हो गई या सिंगलेट ग्राउंड स्टेट हो गई। इसी प्रकार यदि 2s+1 के अनुसार मान 1 प्राप्त हो तो सिंगलेट स्टेट, और यदि 3 प्राप्त होता है तो हम उसे ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। तो दो तरह की स्थिति बन सकती है। ये मान लीजिए कंडीशन जो है मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में संयोजी कोश में, वो दोनों पेयर्ड है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई। अब यहाँ से ऊर्जा के अवशोषण से ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में पहुँच जाता है इस तरह से। अब ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, अगर दोनों स्पिन इलेक्ट्रॉन की अभी भी पेयर्ड है तब तो हम इसे कहेंगे सिंगलेट स्टेट, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो एक तरह से पैरेलल हो गई तो इसे हम कहेंगे ट्रिपलेट स्टेट। तो यहाँ दो तरह की स्टेट बताई गई हैं जेब्लॉन्स की डायग्राम में, एक सिंगलेट स्टेट ग्राउंड में या एक्साइटेड स्टेट में, और एक ट्रिपलेट स्टेट एक्साइटेड स्टेट में। तो दो पद हो गए सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट। तो सिंगलेट स्टेट में तो इलेक्ट्रॉनों की स्पिन चाहे वो ग्राउंड में हो चाहे एक्साइटेड में हो पेयर रहती है, जबकि ट्रिपलेट स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो कि एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं वहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट जब आती बनती है तो वहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, और इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल।
तो अणु द्वारा ऊर्जा के अवशोषण से रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यदि उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की स्पिन साथ वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकती है। यदि पैरेलल हो तो S इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू पैरेलल है, दोनों की प्लस हाफ ले लें तो S की वैल्यू एक आएगी, तो 2s प्लस वन की वैल्यू जो होगी 2 इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू 3 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 3 होगा। इसे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट और T से रिप्रेजेंट करते हैं कहते हैं। यदि उत्तेजित अवस्था में एंटी पैरेलल हो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन, तो टोटल S का मान एस वन प्लस एस टू हाफ प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ इज इक्वल टू 0 होगा, यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस वन इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस वन इज इक्वल टू 1 होगी। ऐसी कंडीशन में स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 1 हो तो हम इसे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, जिसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं। अधिकांशतः इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की ऊर्जा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से अधिक होती है, तो हम कह सकते हैं सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की ऊर्जा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की ऊर्जा से ज़्यादा है। ES विल बी ग्रेटर देन ET। अणु सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में या ट्रिपलेट एक्साइटेड में हो तो इसे एक्टिवेटेड अणु कहते हैं, यानी अणु ऊर्जा के अवशोषण से उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है केमिकल बॉन्ड का, वो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला गया। वो उत्तेजित अवस्था या तो सिंगलेट होगी या ट्रिपलेट होगी, तो इस स्थिति में उस मॉलिक्यूल को हम एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल या एक्टिवेटेड अणु कहते हैं। यह एक्टिवेटेड या एक्साइटेड अणु पुनः अपनी अगर ग्राउंड स्टेट में आता है बिना कोई केमिकल रिएक्शन करे, बिना कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन किए हुए, तो ऊर्जा के निष्कासन को हम आगे दर्शाए गए जेब्लॉन्स के डायग्राम के अनुसार दर्शा सकते हैं कि वो किस तरह से किन प्रक्रमों के द्वारा पुनः अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है। यह एक जेब्लॉन्स की डायग्राम है जिसमें ऊर्जा के बढ़ते हुए मानों के आधार पर यह एक ग्राउंड स्टेट ग्राउंड एनर्जी लेवल को शो किया गया है, जिसे हमने S नॉट से प्रदर्शित किया। इसके बाद ये हायर एनर्जी का लेवल, फिर उससे हायर एनर्जी का लेवल, फिर हायर एनर्जी का लेवल। अगर इलेक्ट्रॉन जो कि ग्राउंड स्टेट में पेयर्ड है, ऊर्जा का अवशोषण करके उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, ये निर्भर करेगा ऊर्जा की कितनी मात्रा का अवशोषण किया है। वो S नॉट से उत्तेजित होकर S1 में जा सकता है, या ज़्यादा ऊर्जा का अवशोषण हो जाए तो S2 में जा सकता है, या और भी ज़्यादा का ऊर्जा का अवशोषण हो जाए तो हम S3 में, यहाँ शो किया गया कि S3 एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। अब एक्साइटेड स्टेट का मतलब जो सिंगलेट है उसका मतलब ये हो गया कि जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक तो इलेक्ट्रॉन S0 में जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर अप बताए हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच गया और एक निम्न ऊर्जा स्तर में रह गया। दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो एंटी पैरेलल हो, तो हम इसे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो ऊर्जा के अवशोषण से जो है मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं S0 से या तो S1 में या S2 में या S3 में प्रवेश कर सकता है। अब इसके बाद यहाँ पे जो प्रक्रम दर्शाए गए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन या ये जो मॉलिक्यूल है सपोज S3 से S2 में आता है, S2 से S1 में आता है और फिर S1 से वो S0 में या S0 में प्रवेश करता है। तो अगर S3 से S2 में आता है यानी सिंगलेट से सिंगलेट में ही आया, इसे हमने यहाँ नाम दिया है इस प्रोसेस को IC। IC का मतलब होता है इंटरनल कन्वर्जन।
तो ये इंटरनल कन्वर्जन के द्वारा S3 से S2, S2 से S1 में प्रवेश कर जाएगा, और फिर जब ये S1 से S0 में आता है तो इस प्रक्रम के फलस्वरूप S1 से S0 प्रक्रम के फलस्वरूप सिस्टम में से विकिरण ऊर्जा के रूप में बाहर निकलते हैं। ये जो विकिरण बाहर निकलते हैं इस घटना को, इस प्रक्रम को फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब ये भी हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल सिंगलेट स्टेट में है वो एक अन्य प्रक्रमों के द्वारा ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच जाए, यानी यहाँ तो इलेक्ट्रॉनों की स्पिन एंटी पैरेलल थी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों की स्पिन यानी मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉनों की स्पिन को पैरेलल कर ले तो हम कहेंगे वो सिंगलेट से ट्रिपलेट में आ गया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये S2 से T2 में प्रवेश करता है, ये जो S2 से T2 में प्रवेश करेगा ये जो परिवर्तन हो रहा है, प्रक्रम हो रहा है, इसे हमने यहाँ संकेत दिया है ISC। ISC का मतलब होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, यानी सिंगलेट से ट्रिपलेट में परिवर्तित होना। इसी तरह से हो सकता है वह S1 से T1 में आ जाए। अब यदि मॉलिक्यूल T1 में आने के पश्चात पुनः S0 में आता है, यानी वापस अपनी इलेक्ट्रॉनों की स्पिन को वो चेंज करता है, तो T1 से जब S0 में आएगा, पुनः सिस्टम में से रेडिएशन विकिरण बाहर निकलेंगे, इस प्रक्रम को या इस प्रकार से निकलने वाले विकिरणों को हम फॉस्फोरिसेंस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में इन दो प्रक्रमों के द्वारा आ सकता है, एक प्रक्रम फ्लोरेसेंस यानी सिंगलेट से सिंगलेट में वापस आना, और एक प्रक्रम होता है सिंगलेट से ट्रिपलेट और फिर ट्रिपलेट से वापस सिंगलेट में आना, जिसको हम कहेंगे फॉस्फोरेसेंस। तो ये एक चेब्लॉन्स्की डायग्राम कहलाता है। यहाँ दो प्रकार के जो ये प्रक्रम हैं, इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटरनल कन्वर्जन जब होता है तो भी मॉलिक्यूल में से विकिरण बाहर नहीं निकलते, अर्थात ये विकिरण रहित संक्रमण है। इसी प्रकार से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जो है वो भी एक विकिरण रहित संक्रमण है, इस प्रक्रम के फलस्वरूप भी सिस्टम में से विकिरण या ऊर्जा बाहर नहीं निकलती। दूसरा जो प्रक्रम है और वो है S2, जो S1 से S0 में आना या T1 से S0 में आना, ये जो प्रक्रम है फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस, इन प्रक्रमों के फलस्वरूप मॉलिक्यूल में से विकिरण बाहर निकलते हैं, तो ये विकिरण युक्त संक्रमण कहलाते हैं। तो दो प्रकार के संक्रमण हो गए जेब्लॉन्स्की डायग्राम के अनुसार, एक विकिरण रहित संक्रमण और एक हो गया विकिरण युक्त संक्रमण। तो विकिरण युक्त संक्रमण फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस है, और विकिरण रहित संक्रमण ये IC और ISC होते हैं। अब इसी को हम एक्सप्लेन करें, तो विकिरण रहित संक्रमण उत्सर्जन नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस, इन संक्रमणों में सक्रिय अणु एक्साइटेड स्टेट यानी फॉर एग्जांपल S3 हो सकता है, S2 हो सकता है, या T3 T2 से S1 या T1 में आता है। इस प्रकार के संक्रमणों में किसी भी प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए इन्हें विकिरण रहित उत्सर्जन कहते हैं। इनमें सक्रिय अणु की ऊर्जा अणुओं के कॉलिजन से ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है, इसे इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। तो यहाँ जो ये एनर्जी तो कम हो रही है मॉलिक्यूल की, लेकिन वो एनर्जी कम हो रही है वो ऊष्मा के रूप में निकली और दूसरे मॉलिक्यूल्स ने उसको ग्रहण कर ली, ये इंटरनल कन्वर्जन हुआ, यानी ये ऊर्जा सिस्टम में से बाहर नहीं गई। ये जो प्रक्रम होता है इंटरनल कन्वर्जन, ये बहुत कम समय में हो जाता है, करीब 10^-11 सेकेंड से भी कम समय में प्रदर्शित होता है।
एक अन्य प्रकार से भी मॉलिक्यूल सिंगलेट मल्टीप्लिसिटी स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में परिवर्तित होता है। इस प्रकार के संक्रमण भी विकिरण रहित संक्रमण होते हैं। इन्हें इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या ISC कहते हैं। इनमें भी ऊष्मीय उत्सर्जन होते हैं। इनकी गति कम होती है, यानी ये स्लो प्रोसेस है। यह इसको होने में ISC को करीब 10^-9 से 10^-2 सेकेंड का समय लगता है, अर्थात इस परिवर्तन में समय लगता है। तो ये पहले प्रकार का हुआ नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। दूसरे प्रकार का होता है रेडिएटिव ट्रांजिशंस, यानी जहाँ पर विकिरण का उत्सर्जन होता है। इसमें एक पहला प्रक्रम है फ्लोरेसेंस, जिसको हम प्रतिदीप्ति कहते हैं। वे संक्रमण जिनमें सक्रिय तणु सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S1 से S0 में आता है, तो इस संक्रमण में ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के रूप में होता है। इसे फ्लोरेसेंस कहते हैं। यह प्रक्रम लगभग 10^-8 सेकेंड में होता है और इनका जो लाइफ है वो बहुत ही कम होता है। और जैसे ही अपन जहाँ से अपन विकिरण डाल रहे हैं पदार्थ पे, उस सोर्स को अगर हम बंद कर दें तो विकिरणों का, पदार्थ में से विकिरणों का उत्सर्जन तुरंत बंद हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं एक जैसी मल्टीप्लिसिटी स्टेट में विकिरण संक्रमण जो होता है उसको हम प्रतिदीप्ति या फ्लोरेसेंस कहते हैं। एक जैसे मल्टीप्लिसिटी का मतलब हो गया सिंगलेट से सिंगलेट में आना। दूसरा जो है विकिरण युक्त संक्रमण, उसको हम फॉस्फोरेसेंस या स्फुरदीप्ति कहते हैं। जब संक्रमण S1 से T1 में जाकर T1 से S0 में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के रूप में होता है। इस प्रक्रम को हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं अलग अलग मल्टीप्लिसिटी स्टेट में संक्रमण स्फुरदीप्ति कहलाता है, यानी सिंगलेट से हम कह सकते हैं ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट से वापस सिंगलेट में अगर मॉलिक्यूल आ रहा है तो फॉस्फोरेसेंस कहलाता है। इसका जो लाइफ है, इसका जो जीवन काल है, वो 10^-3 सेकेंड या इससे अधिक होता है। अर्थात विकिरण उत्सर्जन धीरे धीरे होते रहते हैं, यानी इसमें समय लगता है। तो अगर जो सोर्स है प्रकाश का, विकिरण का जो सोर्स है, उसको हम बंद कर दें तो भी पदार्थ में से धीरे धीरे विकिरण निकलते रहते हैं। इस घटना को हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। तो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस को इस तरह से पहचाना जा सकता है कि सोर्स को हटाते ही अगर विकिरण निकलना बंद हो जाए तब तो वो कहलाता है फ्लोरेसेंस, और सोर्स को हटाने के बाद भी कुछ समय तक विकिरण अगर निकलते रहें तो हम उसे घटना को फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। फॉस्फोरेसेंस व फ्लोरेसेंस दोनों विकिरणों की आवृत्ति एक्साइटेड विकिरण, एक्साइटेड लाइट की आवृत्ति से कम होती है, क्योंकि T1 की लाइफ S1 से अधिक होती है, यानी ट्रिपलेट स्टेट की जो एनर्जी है वो सिंगलेट से कम होती है। तो इसका मतलब ट्रिपलेट स्टेट जो है सिंगलेट की अपेक्षा स्टेबल है, स्टेबल है तो इसकी लाइफ भी अधिक होगी। तो T1 की लाइफ S1 से अधिक होती है, अतः एक्साइटेड अणु की T1 में रहने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी भी अधिक होती है। T1 में ही रासायनिक क्रिया होकर प्रोडक्ट या उत्पाद बनते हैं, अतः अधिकांश फोटोकेमिकल रिएक्शंस इसी अवस्था में होती है, यानी ट्रिपलेट स्टेट में होती है। जो पदार्थ UV विजिबल विकिरण का ही अवशोषण करते हैं उन्हीं में ये गुण फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जेब्लॉन्स्की डायग्राम द्वारा किसी पदार्थ में से विकिरण का उत्सर्जन किस तरह से होता है वो समझाया जा सकता है। फॉस्फोरेसेंस की कुछ और विशेषताएं भी हैं। स्फुरदीप्ति या फॉस्फोरेसेंस मुख्यतः यूवी प्रकाश से प्रदर्शित होता है। इसका जो समय है 10^-4 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड तक का होता है, स्लो प्रोसेस है।
मुख्यतः यह घटना ठोस पदार्थ प्रदर्शित करते हैं। इन पदार्थों के चुंबकीय गुण, यानी जो पदार्थ फॉस्फोरेसेंस की घटना प्रदर्शित करते हैं, इन पदार्थों के चुंबकीय गुण व परावैद्युत गुण घटना से पहले व बाद में असमान होते हैं। यानी जो इनकी वैल्यू पहले होगी, ये गुण प्रदर्शित करने के बाद उनकी चुंबकीय गुण व परावैद्युत गुण की वैल्यू जो है वो परिवर्तित हो जाएगी। अलग अलग फॉस्फोरेसेंस पदार्थों को मिलाने पर प्राप्त प्रकाश का रंग जो है वो भी अलग अलग होता है। ये जो घटना है, इस घटना में पदार्थ से प्रकाश के प्राप्त होने का समय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और जो फॉस्फोरेसेंस घटना है, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम के सल्फाइड, रूबी, एमरल्ड, जिसको हम पन्ना भी कहते हैं, जैसे खनिज पदार्थ सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं। अब लास्ट में फ्लोरेसेंस की क्या विशेषताएं हैं, इसको हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा प्रदर्शित करें। फ्लोरेसेंस जो है यूवी वे विजिबल लाइट द्वारा प्रदर्शित होता है। सामान्यतः ठोस, द्रव्य, गैस ये घटना को प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग पदार्थ अलग अलग तरंग धैर्य से फ्लोरेसेंस दर्शाते हैं। यानी अलग अलग पदार्थों से जो विकिरण हमें बाहर जिनका उत्सर्जन होगा, उनकी तरंग धैर्य के मान अलग अलग होते हैं। फ्लोरेसेंस या प्रतिदीप्ति की मात्रा प्रयुक्त विलायक तथा ऋण आयनों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर पदार्थ के साथ में आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, थायोसाइनाइड आयन उपस्थित हों तो प्रतिदीप्ति की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। इस घटना को सोडियम, मरकरी, आयोडीन के वाष्प, क्लोरोफिल, पेट्रोलियम आदि प्रदर्शित करते हैं। इस घटना से उत्सर्जित प्रकाश की तरंग धैर्य अधिक होती है, अर्थात हम कह सकते हैं एनर्जी या आवृत्ति कम होगी। यह घटना 10^-4 से 10^-8 सेकंड में प्रदर्शित होती है। इनको समय कम चाहिए, कम समय लगता है। अब हम ये भी थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे लें कि अगर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे NH2OH ग्रुप हो तो वह तीव्र प्रतिदीप्ति जो है प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हो जैसे COH, NO2, N डबल बॉन्ड, N या हैलोजन के कारण इनकी उपस्थिति जो है, इस प्रकार की घटनाओं की उपस्थिति नगण्य हो जाती है। इन घटनाओं पर pH का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि उदासीन या क्षारीय माध्यम में एनिलीन जो है वो दृश्य क्षेत्र में प्रतिदीप्ति प्रदर्शित करता है, परंतु अम्लीय माध्यम में एनिलीन प्रतिदीप्ति की घटना को प्रदर्शित नहीं करता। तो इस प्रकार से हम जेब्लॉन्स की डायग्राम द्वारा फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस जो प्रक्रम होते हैं जिनके द्वारा एक उत्तेजित अणु पुनः ग्राउंड स्टेट में आता है और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है विकिरण के रूप में, उसको हम समझा सकते हैं। तो ये भाग जो है, ये पार्ट जो है फोटोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।